भागवत के पारायण में मुझे लगा एक अवसर लेता हूं मैं आपसे बात करने का। करेशणी ईश्वरीम सर्वभूतानां तामेहोपवेश्यम। तो जहां गंध रहती है गोबर की और मूत्र, गौ के गौ मूत्र और गौ के गोबर की जहां गंध रहती है वहां स्वाभाविक यज्ञ होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे के बड़े अद्भुत और मंगलकारी और प्रेरक प्रसंग हैं, उससे पूर्व ये बात कहते हुए हमारे यहां यज्ञ परंपरा में, यज्ञ परंपरा में केवल गौ घृत से ही यज्ञ हो सकता है, अन्य किसी घृत से नहीं। सावधान। अब इस पर वैज्ञानिकों की बड़ी तीव्र और बड़ी आक्रामक चेतावनी है और ये शास्त्रों में बार बार कहा कि किसी अन्य घृत से यज्ञ मत कर देना, अन्य किसी पशु के घृत से कभी नहीं, गौ घृत से यज्ञ होता है। यज्ञ का विधान है, यज्ञ विधान का नाम है, वो सामग्री से होगा। शाकल्य यानी चुरु क्या हो, यव माने जौ कितना हो, तिल कितने हो, कितनी मात्रा हो, अन्य औषधियों की कितनी शक्कर डालनी है, घृत कितना हो, आधा लगभग उतना जौ, जौ का आधा भाग चावल, चावल का आधा भाग तिल, तिल का आधा भाग शक्कर, शक्कर का आधा भाग घृत, ऐसा नहीं है आधा पूरा, शाकल्य का आधा भाग घृत। और उससे जब आहुतियां जाती हैं तो वो आहुतियां विकिरित करती हैं उन तरंगों को, स्पंदनों को, उन संप्रेषणों को जागृत करती हैं जो तत्त्व देवताओं के द्वार को थपथपा सकें, क्योंकि तरंगों का अपना राज्य है। अरे आप यहां मोबाइल के डिजिट्स ड्रॉप्स करते हैं और वो लाखों मील छलांग लगाकर अंबर में जाती हैं, आप यहां कुछ अंकों का ही तो स्पर्श कर रहे हैं और उन तरंगों के साम्राज्य में वो तरंगे अंबर में उड़कर धरती पर व्यक्ति का पता ढूंढ लेती हैं। करोड़वां एक हिस्सा उसका केवल एक मंत्र में है। ऐसे ही ओम भर कर लिया जाए तो ये ओम ऐसा बोल दिया जाए तो इसकी विकीर, इसकी जो ध्वनि स्पंदन है, अब क्षमा कर दीजिए तय होके बताए, ये 700 मीटर तक जाता है स्पंदन, धीरे 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 ओम 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 700 मीटर, फिर वो 1400 मीटर, फिर वो ऐसे बढ़ता जाता है ओम। अगर होमात्मक कर रहे हैं मंत्रों के साथ, मैंने तो मात्र ओम बताया, ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अगर इन मंत्रों के साथ अगर हम आहुति दे रहे हैं तो किस प्रकार का परिवेश बनता है, उतना ही कल्याणकारी परिवेश गौ बना देती है।